ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान सूर्यदेव जी को क्यों अर्पित किया जाता है जल, जल अर्पित करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य का बड़ा महत्व है। उन्हें असाधारण क्षमताओं और दिव्य शक्तियों के साथ सबसे अहम देवताओं में से एक माना जाता है। इसके अलावा वह पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख स्रोत हैं और जीवन का समर्थक हैं। वहीं ज्योतिष में भी सूर्य का बहुत महत्व माना गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, पिता पुत्र और सफलता का कारक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य हर माह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस तरह से 12 राशियों में सूर्य एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण करते हैं। सूर्य को आरोग्य का देवता भी माना गया है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य को प्रतिदिन जल देने से जातक को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव की कृपा पाने और कुंडली में सूर्य की अनुकूलताएं बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। सूर्यदेव को क्यों अर्पित किया जाता है जल? कहते हैं कि सुबह सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करने से शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और दिन सुखमय गुजरता है। मान्यता है कि भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए। स्नान करने से शरीर को रात के दौरान अर्जित सभी अशुद्धियों और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। वहीं सुबह स्नान करना शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और बीमार होने की संभावना भी कम करता है। सूर्यदेव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय हम अपने माथे पर कुमकुम और मौली लगाते हैं। तिलक का आवेदन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मानसिक एकाग्रता के लिए ये हमारी मदद करती है। कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव को तांबे के बर्तन से जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में रोशनी पानी से होकर जाती है और सूर्य की 7 किरणों में विभाजित होती है। ऐसा करने से शरीर की सारी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से ध्यान शक्ति में बढ़ावा होता है। जब हम जल चढ़ाते समय सूर्यदेव को देखते हैं तो हमारी दृष्टि सूर्य पर केंद्रित होती है। इसके अलावा यह आपकी आँखों को दिन के उजाले को स्वाभाविक रूप से समायोजित करने में मदद करती है। भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करने से स्वस्थ मन और शरीर के साथ साथ अनुशासित जीवन प्राप्त होता है। यह लोगों की भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। जल अर्पित करने से क्रोध, अहंकार, तनाव और शरीर को स्थिर करने में मदद मिलती है। सुबह के समय आध्यात्मिक दिमाग काफ़ी सक्रिय होता है, जो गहरे ध्यान में मदद करता है। ध्यान हमें अपने कार्यों और लक्ष्यों को सटीक रखने और अधिक स्पष्टता और सकारात्मकता के साथ मूल्यांकन करने में मदद करता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जप करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं और मन शांत रहता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।